राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, नीतीश कुमार कोई भी जातिवार गणना मुसलमानों की नहीं करवाना चाहता। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को बांटना उनके लिए आसान लगता है, मुसलमानों को बांटना उन्हें नहीं आता। विकास किसका हुआ? सिर्फ चार पांच आदमी का विकास हुआ है। एक अडानी का हुआ है, एक अंबानी का हुआ। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में 2000 नोट को नहीं चला पाया तो क्या देश को चला पाया? पार्टी को 10 साल दिया सस्ता, 2000 पहले किसको देते? कांग्रेस को 20 साल। एक मिनट, अरे मैं पूरी बात कितनी बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट कम क्यों आ गई? क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जो सीटें कमाने का सवाल है, जातिवाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है और इस बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग पूरे देश को हिंदुओं में जात, हिंदुओं को जातिवार बांटकर इस देश के हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं था, अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं था, उनके पास एक मुद्दा था कि जातिवार गणना करो। अरे जातिवार गणना करनी है तो मुसलमानों की करो, सिया मुसलमानों की करो, सुन्नी मुसलमानों की करो, उसमें पसमांदा मुसलमानों की करो, जो अन्य मुस्लिम हैं, धुना, जुलाहे, अंसारी, इन मुसलमानों की जातिवार गणना की बात राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, नीतीश कुमार कोई भी जातिवार गणना मुसलमानों की नहीं करवाना चाहता। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को बांटना उनके लिए आसान लगता है, मुसलमानों को बांटना उन्हें नहीं आता, मुसलमानों को बांटना नहीं आता। सिया मुसलमानों की गणना करवा लो, यह हकीकत है, नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि उनको मुसलमान वोट मिलने का डर है कि नहीं मिलेगा। हिंदुओं में बांट दो, गुप्ता में बांट दो, ब्राह्मण बांट दो, क्षत्रिय बांट दो, शाक्य बांट दो, मौर्य बांट दो, कुशवा बांट दो, क्यों बांट दो? जातिवार बांट कर, जातिवार बांट कर ये देश को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी की सरकार 2014 से जब से आए हैं, देश में विस्फोट होना बंद हो गए, आतंकवादी ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। आजकल कोई भी भगवा अंगूठा डाल ले गले में, अगर उसके पास आकर कोई जेब कतरा बैठ जाए तो डर के मारे उठ के चला जाता है कि भाजपा का कोई कारिंदा है, इसके पास इसकी जेब मत काटो। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते। क्यों? उन्हें मालूम है ये देश शरीयत के आधार पर नहीं चलता, ये देश सिखों के धर्म के आधार पर नहीं चलता, इस्लाम के, ईसाइयों के धर्म के आधार पर नहीं चलता, हिंदुओं के धर्म के आधार पर नहीं चलता। लेकिन मुसलमान लोग या विपक्षी पार्टी के लोग चाहते हैं कि ये देश शरिया के अनुसार चले। लेकिन जब से देश में कानून का पालन होना शुरू हुआ, आतंकवाद खत्म, कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले थे वो खत्म, पाकिस्तान कल तो हुआ है, पहले सुन लो, कल हुआ जम्मू कश्मीर, कल हुआ है ना, अभी देखना, दस के बाद 10 मारे हैं, मर गए हिंदू लोग, 10 लोग मरे उसमें। अगर 100 लोग ना मरे तो मेरा नाम भी अरुण गुप्ता नहीं, शाहजहांपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और ये समझ लीजिए, पत्थरबाज कहाँ गायब हो गए? नोटबंदी के बाद 2016 में नोटबंदी हुई, 2016 में जब नोटबंदी, 2016 में 2000 अरे एक मिनट, 2000 एक पार्टी को 10 साल दिया सस्ता, 2000 पहले किसको देते? कांग्रेस को 20 साल। एक मिनट, अरे मैं पूरी बात बताता हूँ, अरे मैं पूरी बात, 2000 सुनिए, 2000 कितने मरे थे आदमी? 2040 के लाखों आदमी मर जाते थे बम में, 2000 2016 में
2016 में नोटबंदी हुई, पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, 2000 सपोर्ट कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लोग भी हैं, नहीं आंखों के सामने दिखे, लोग भी सत्ता अपने अपने मत हैं, मैं आपसे पूछूंगा, इनके बाद हो जाएगा, 40 सीट क्यों हारा है, अभी आऊंगा, अभी आऊंगा मैं, अभी मैं वोट लगाऊंगा, अभी आप एक मिनट वेट करो ना, बात खत्म करें, मैं आपके पास, नहीं नहीं 2016 में बात खत्म करो, 2016 में नोटबंदी हुई, लोग कहते मेरा नुकसान हुआ, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, नोटबंदी से इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ, पाकिस्तान का, कटोरा हाथ में आ गया, आज पाकिस्तान भीख मांगने के तैयार थे, 2016 में नोटबंदी हुआ, कब हुआ बताओ, बताओ ना, नहीं पूछो ना, सुनो मैं बोल रहा हूँ, नोटबंदी से किसको फायदा हुआ बताओ, सुनो ये गुमराह कर रहे हैं, ये देखो देखो अपनी बात करने, 2016 में नोटबंदी हुई, दिसंबर में नवंबर में अक्टूबर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नोटबंदी हुई, फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, 325 सीटें जीतकर भाजपा ने एक रिकॉर्ड इतिहास कायम करा, मैं भाजपा का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ, पत्थर फेंकने वाले कश्मीर में खत्म हो गए, आतंकवाद खत्म हो गया, क्यों, पैसा मिलता था, आज कश्मीर के लोग खुश हैं कि हमको रोजगार मिल रहा है, जाने वाले देखिए कितने यात्री वहां जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, उनका कारोबार बढ़ा, और नोटबंदी से किसके हाथ में कटोरा हाथ में आया, पाकिस्तान के, भीख मांगने कगार पे है, नो हाथ पे कटोरा लेके घूम रहा और कोई भीख मांगने को देने को तैयार नहीं, बोलो सर आप बोलो, ये भाई साहब जो कह रहे हैं जातिवादी में बट गए यूपी के युवा, यूपी के लोग जातिवादी में बट गए, आपसे बोलना चाह रहा हूँ, हमारे हिंदू भाई देखो, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है, हिंदू भाई इतने कमजोर नहीं है जो वो जातियों में बढ़ जाए, 10 साल इनको सत्ता दिया प्रधानमंत्री ने, क्या किया युवाओं के लिए ये बताओ मुझे, इस बार प्रधानमंत्री अपनी सीट हारते हारते बच गए, ये क्यों, पिछले बार 4.5 लाख से जीते थे ये, इस बार 1.5 लाख में क्यों रह गया ये बताओ मुझे, कुछ तो गलती होगी इस गवर्नमेंट की, कुछ तो गलती होगी जो 43 सीट फिसल गया इसके हाथ से, चलो यूपी छोड़ दो, राजस्थान में भी तो कुछ तो गलती होगी जो 11 सीट फिसल गया, कर्नाटक में भी तो कुछ तो गलती होगी जो फिसल गया, अब ये बोल रहे हैं कोई दंगा नहीं होता है, मणिपुर में माँ बहनों को लंगे करके घुमा रहे हैं, वहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ क्या यूपी में गया नहीं है, हाथरस कांड है, बलात्कार करके उसको जिंदा जलाया दिया गया रात को, क्या वो नहीं है, और यूपी के अंदर 11 यूपी के अंदर एक मिनट भाई साहब आपने बोल लिया मुझे बोलने दो, यूपी के अंदर 11 अधिकारी को गोली मार दिया गया, वो कौन है, वो कब उसके वो घर पे बुलडोजर चलेगी ये बताओ मुझे, ये भाई साहब बोल रहे हैं नोटबंदी से देश को फायदा हुआ, ये भाई साहब बोल रहे हैं नोटबंदी से देश को फायदा हुआ, लेकिन मैं बताता हूँ देश को नुकसान हुआ है, देश को ये नुकसान हुआ है, 2000 का नोट लाया ये, ठीक है, प्रधानमंत्री को 2000 का नोट बंद करना पड़ा, जो प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में 2000 नोट को नहीं चला पाया तो क्या देश को चला पाएगा, ये मुझे बताओ ना, और इलेक्शन से पहले गृह मंत्री जो है अमित शाह वो ये कहते हैं मुझे जिता दो, मैं 5 किलो क्या 10 किलो राशन फ्री दूंगा, क्या जनता राशन के ऊपर है, ये क्या राशन के ऊपर है, विकास नहीं हुआ है, यही तो बताओ ना, विकास हुआ क्या, विकास हुआ है, मैं बताता हूँ विकास क्या हुआ, विकास किसका हुआ, सिर्फ 4-5 आदमी का विकास हुआ है, एक अडानी का हुआ है, एक अंबानी का हुआ है, ठीक है, विकास जो हुआ है अंबानी का लड़की लड़कों का शादी हो रहा है उसको लाइव दिखाया जा रहा है, ठीक है, रेलवे पूरा प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है, जितना सरकारी स्थान है वो उसको प्राइवेट कर दिया गया, रेलवे की नौकरी बंद कर दी गई इनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में 2.5 लाख पद खाली है लेकिन उसको भर नहीं रहे हैं, इसको आप बोलते हैं विकास नहीं हुआ, 10 साल में मोदी ने विकास नहीं किया, ये फिर कैसे प्रधानमंत्री दोबारा बन गए फिर से, देखिए प्रधानमंत्री
ये दूसरा नहीं बना, ये तो इस बार भी जाने वाले थे। कैसे बन कैसे गए? पहली बार इसको जनता ने बार तो पूरा गठबंधन एक साथ थी, पूरा अलायंस एक साथ। सुनो, पांच साल इसको दे दिया, ठीक है, उसके बाद जनता बोला चलो 10 साल दे दो, जनता बोला इसको 10 साल दे दो, 10 साल दे दिया, लेकिन 10 साल में इसने कुछ नहीं किया। 10 साल आज विकास विकास की बात होती है कि हमने एक्सप्रेस वे बना दिया, हाईवे बना दिया, 790 रुपया सालन बता। आज आज बात होती है कि एक्सप्रेस वे, हाईवे, डीजीटी की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, आसान शौचालय घर मिल रहा है लोगों को, विकास है। 790 रुपए का भाई साहब हाईवे, ये हर गवर्नमेंट में ये विकास होती है। आपने देश के युवाओं को कितना नौकरी कितना दिया, इस पे सवाल क्यों नहीं होता? होता है ना स्टार्टअप की, हमने युवाओं को स्टार्टअप दिया, स्टार्टअप स्टार्टअप में कितना नौकरी दिया आपने, युवाओं को कितना नौकरी दे दिया आपने। सुनो, अडानी का पैसे माफ हुआ, अंबानी का पैसे माफ हुआ, ये क्यों माफ हुआ, क्यों माफ हुआ, क्या माफ हुआ, कितना पैसे माफ हुआ, कब हुआ, कितने करोड़ रुपए ने माफ कर दिए, कब हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ? हेमंत बिस्वा डेटा है उसका, पूरा डाटा है, जनता जानना चाहती है। सवाल चल रहा है पहले से, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है देश में, क्यों नहीं फिर इसमें क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हेमंत बिस्वा कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, हेमंत बिस्वा एक मिनट, एक करप्ट चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं होगी? उसकी वाइफ 10,000 करोड़ करप्ट में है, लेकिन उस पर जांच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सेंट्रल में मोदी है इसलिए बोल रहे हैं, ADCBI का गलत इस्तेमाल हो रहा है देश में। देखिए ED और CBI वही जांच करती है जहां पे उनको लगता है कि इस व्यक्ति ने, इस कंपनी ने कहीं ना कहीं घोटाला किया है। का सवाल है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं कहीं क्यों ऐसा हो रहा है, जो पक्ष में है उनके भी नेता करप्ट है, उनके खिलाफ क्यों नहीं ADCBI काम कर रही है? विपक्ष का तो गठबंधन इसलिए बना कि हम भ्रष्ट के भ्रष्ट हमारे, उनको तो अपना कुनवा बचाना था, उनको अपने घर के घोटाले छिपाने थे। राजीव गांधी को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर चल रही है, लालू यादव बेल पर चल रहे हैं, केजरीवाल बंद हैं, संजय सिंह जमानत पर छूट के आए हैं, सिसोदिया जेल में हैं। कितने बड़े बड़े घोटाले करके लोग जेलों के अंदर हैं, तो छापा नहीं, छापा छापा अगर पड़ेगा तो कांग्रेसी या विपक्षी गठबंधन के पीछे पड़ेगा, और विपक्षी गठबंधन के लोग खास करके क्या उनकी पहचान है, एक छिपकली होती है, वो कीड़े खाती है, और एक गांधी का चित्र टंगा होता है उसके पीछे जाके छिप जाती है, उसके पीछे छिप जाती है, तो सारे अपने पाप छुपाने का छिपकली प्रयास करती है। वो ही हाल गठबंधन के लोगों का है, छापे उन्हीं क्या पड़ रहे हैं, भाजपा के लोग भ्रष्टाचार नहीं है, मोदी सरकार के किसी व्यक्ति पर, योगी सरकार के किसी व्यक्ति पर, भारतीय जनता पार्टी की अन्य प्रदेशों में 18 प्रदेशों में सरकारें आए, किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।